कलर्स टीवी का मोस्ट फेवरेट शो ससुराल सिमर का जब से ऑफ एयर हुआ था तभी से इनके चाहने वाले शो के सेकंड सीजन के डिमांड कर रहे थे, जहां शो मेकर्स ने इस साल दर्शकों की एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। पर इस बार शो में कई नए कलाकार देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एक नाम अभिनेता अविनाश मुखर्जी का भी है, जो शो में आरव ओसवाल की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये किरदार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके चलते अविनाश मुखर्जी अपने किरदार से एक बार फिर से अपनी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप शो में आरव ओसवाल की भूमिका निभाकर आज एक घरेलू नाम बन चुके अभिनेता अविनाश मुखर्जी के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, सब क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस अभिनेता के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। ससुराल सिमर का सीजन 2 में आरव ओसवाल की भूमिका निभा रहे अभिनेता अविनाश मुखर्जी का जन्म ग्रेटर नोएडा के एक बंगाली परिवार में हुआ था, जिनके इस परिवार में इन्हें कुल मिलाकर 3 सदस्य हैं, जिनमें इनके माता पिता भी शामिल हैं। बात करें इनके परिवार के बारे में, तो इनके परिवार की शुरुआत होती है इनके मुख्य घर के सदस्य यानी कि इनके पिता से, जिनका नाम देवाशीष मुखर्जी है, जो यूं तो अपने बेटे के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, पर बावजूद इसके इनके ना के बराबर ही तस्वीरें देखने को मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पिता टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बतौर क्रू मेंबर काम करते हैं। अब बात करें इनकी मदर के बारे में, तो इनकी मदर का नाम कविता मुखर्जी है, जो प्रोफेशन से एक गृहिणी है और अपने घर गृहस्थी को ही संभालती हैं। आपको बता दें कि अविनाश मुखर्जी ने अपना ज्यादातर टाइम अपनी मम्मी के साथ ही बिताया है और इसीलिए इन दोनों की कई सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिनमें इन दोनों माँ बेटे का प्यार साफ साफ झलकता है। और क्योंकि अविनाश मुखर्जी अभी महज 23 साल के हैं, इसलिए इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन ये पिछले काफी लंबे समय से क्लोजमेट सोनाली लूथरा के साथ रिलेशनशिप में हैं। आपको बता दें कि इनकी गर्लफ्रेंड मिस इंडिया रनर अप भी रह चुकी हैं, जो वर्तमान में एक राइटर के रूप में काम कर रही हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में इन दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसके चलते इन दोनों की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिनमें इन दोनों के बीच का प्यार साफ साफ देखा जा सकता है। अब अंत में बात करते हैं इस दमदार अभिनेता की पर्सनल लाइफ यानी कि इनकी पसंद नापसंद के बारे में। तो आपको बता दें कि अविनाश मुखर्जी बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा साउथ फिल्में देखना पसंद करते हैं और यही वजह है कि इनके फेवरेट अभिनेता राणा दुग्गुबाती हैं, जिनकी इन्होंने कई सारी फिल्में देखी हैं। इसलिए आज ये राणा दुग्गुबाती के इतने ज्यादा दीवाने हो चुके हैं कि जब भी कोई इनसे इनके फेवरेट अभिनेता के बारे में पूछता है, तो ये सिर्फ उन्हीं का ही नाम लेते हैं और बताते हैं कि राणा दुग्गुबाती की पर्सनैलिटी और एक्टिंग के आगे तो सभी हीरो चाय कम पानी नजर आते हैं। इन्होंने तो ये तक कह दिया कि बाहुबली फिल्म में इन्हें प्रभास से ज्यादा राणा दुग्गुबाती की एक्टिंग पसंद आई थी। तो दोस्तों, आपका अविनाश मुखर्जी की फैमिली के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।